बाहुबली का तीसरा पार्ट भी बनाएंगे। राजा मौली, ये हैं पांच पुख्ते सबूत। 2 साल के इंतजार के बाद खुलासा हो ही गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वैसे इस सवाल को जानने का इंतजार दर्शकों ने 2 साल तक किया, और जो भी अब तक ये जान चुके होंगे उनके आगे अब एक और बड़ा सवाल आ गया है। सवाल यह है, क्या बाहुबली 3 भी आएगी? क्या तीसरा पार्ट भी आएगा, और आएगा तो कब? दरअसल फिल्म में कई ऐसी बातें हैं तो इस ओर इशारा करती हैं कि इस फ्रेंचाइजी का अगला पार्ट भी बन सकता है। फिर बाहुबली 2 को लेकर हुए तमाम इंटरव्यूज में खुद डायरेक्टर राजा मौली ने कभी सीधे तौर पर इनकार नहीं किया कि बाहुबली 3 को लेकर कोई प्लान नहीं है। बाहुबली 3 पक्का बनेगी, कम से कम ये 5 सबूत तो जरूर इशारा करते हैं। सबूत नंबर 1, बाहुबली 2 का आखिरी डायलॉग कुछ कहता है। फिल्म देख चुके हैं तो आप समझ जाएंगे, और देखने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। जब महिष्मती के सिंहासन पर बैठने के बाद महेंद्र बाहुबली ने वादा किया, मेरा वचन ही है शासन। सबूत नंबर 2, सन्यासी ने बताया शिव की मर्जी। इसके अलावा एंड में कास्टिंग आने पर कुछ समय रुकें, जरूर एक बच्चे की आवाज में सवाल उठेगा कि क्या इसके बाद माहेश्वरी पर शासन किसने किया? क्या महेंद्र बाहुबली और उनके बच्चों का राज चला? इस पर बाहुबली वाले सन्यासी की आवाज में जवाब आता है, शिव की मर्जी, मैं क्या जानू। अब फिल्म के हाइप और क्रेज को देखते हुए पूरे चांस हैं कि फिल्म मेकर्स इसके अगले हिस्से पर भी दांव लगाना चाहेंगे। फिर भले ही उनको दोबारा 2 साल का टाइम बाहुबली को पर्दे पर लाने में लगे।